hello children i hope you all are good today we are going to discuss sst chapter number one that is the earth and the solar system and in this chapter we are going to understand the concept of universe the solar system our planet earth satellite asteroid meteors and comets so let's start the chapter with the new concepts but if you have look up

these bodies are known as celestial body celestial bodies include stars planets satellites asteroids comets meteors etc or in other words all that we can see and everything beyond that we cannot see exist in the universe joham or joham वो सब जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स इज वेरी बिग इट इज सो बिग दैट वी कैन नॉट सिंपली नो हाउ बिग इट इज और इतना बिग है बेटा ऐसा माना जाता है इट केम इन टू बींग एज अ रिजल्ट ऑफ द बिग बैंग थ्योरी एंड इट कंटिन्यूज टू गेट बिगर ये बढ़ता ही जा रहा है नाउ हाउ टू मेजर द डिस्टेंसेज इन द स्पेस यू नो बेटा सेलेस्टियल बॉडीज दे आर लोकेटेड एट अ वेरी ग्रेट डिस्टेंस फ्राम वन अनदर बहुत डिस्टेंस होता है सेलेस्टियल बॉडीज में आपस में और ये डिस्टेंस कई बार इतना ज़्यादा है कि वी कैनॉट मेजर इन द किलोमीटर सो वट वी हैव टू डू एक स्पेशल यूनिट डिस्क्राइब की गई इसके लिए जिसे हम लाइट ईयर कहते हैं लाइट ट्रेवल्स अबाउट 3 lakh kilometer in 1 second only and the distance traveled by it in 1 year is known as light year so have humne ki space measure distances hai, we measure through the special unit that is called light year now the next concept is the milky way all celestial body in the universe are formed into the galaxy एंड गैलेक्सी क्या होती है इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स आर्थ द सन एंड द मून ओके गैलेक्सी में बेटा मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं और हमारी जो अर्थ है सन है मून है ये भी एक गैलेक्सी का पार्ट है और दैट गैलेक्सी इज नोन एज मिल्की वे गैलेक्सी और आकाश गंगा यू कैन सी दिस गैलेक्सी दिस इज योर मिल्की वे और आकाश गंगा इन विच द अर्थ एग्जिस्ट देयर आर अबाउट वन मिलियन स्टार्स इन दिस गैलेक्सीज यू कैन सी द मिल्की वे इन द नाइट स्काई इट इज इन द फॉर्म ऑफ फेंट बैंड आप देख रहे हो ना ये पूरा ऐसे बैंड की तरह है पूरा हल्का सा आपको नजर आएगा आसमान में इट्स द बैंड ऑफ लाइट स्क्रैचिंग्रॉस द स्काई नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉन्स्टीलेशन वट इज कॉन्स्टेशन बेटा वन एवर यू लुक एट द स्काई एट नाइट यू विल फाइंड सम स्टार्स आर सिंगल बट समाइम यू फाइंड द स्टार्स इन द ग्रुप और द पार्ट ऑफ द ग्रुप और डॉट्स आपको मिलेंगे या इन समर्ट ऑफ द पैटर्न आपको दिखते हैं ना ऐसे स्टार्स जो कुछ पैटर्न फॉर्म करते हैं हम ऊपर देखते हैं हमें लगता है हाँ इसे कुछ बन रहा है तो सच ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिशन एंड समाइम सम इमेजनरी शेप्स आर एट्रीब्यूटेड टू दिस कॉन्स्टिलेशन हम जब देखते हैं ना हमें लगता है अरे ये तो ये शेप बन रही है ऐसा माना जाता है ये जो पैटर्न है ये जो कॉन्स्टिलेशन है इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ह्यूमन लाइफ सबसे नॉन जो आपका पैटर्न है या जो कॉन्स्टिलेशन है डैट इज सप्तऋषि और बिग बियर भी, भी हम उसे कहते हैं अब सप्तऋषि क्या है एज यू कैन सी इन द फिगर द ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स यू कैन सी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन स्टार्स का ये ग्रुप है सप्तऋषि दिस कॉन्स्टलेशन कैन हेल्प टू नो द डायरेक्शन एट द नाइट ऑल्सो इट्स टॉप टू स्टार्स पॉइंट टू द पोल स्टार पोल स्टार क्या है बेटा इट इज़ द ब्राइट स्टार विच ऑलवेज शाइन इन द नॉर्थ डायरेक्शन and with the help of this pole star we can know the other directions too so these patterns are constellation now moving to the next concept that is the solar system the sun is a star and its family is called solar system this system comprises of how many planets eight planets एंड अदर बॉडीज विच गो राउंड द सन एंड देयर पाथ इज़ कॉल्ड ऑर्बिट ये जो एट प्लानिट होते हैं ना सन के आसपास ये रिवॉल्व करते रहते हैं ये एट प्लानिट एक फ़िक्स्ड एलप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं बेटा तो जिस पाथ में जिस रास्ते पे वो चलते हैं उसे हम क्या कहते हैं ऑर्बिट सो दस द सन द प्लान एंड सेटेलाइट्स

सन में ग्रेविटेशनल पोल की शक्ति होती है है ना तो उस वजह से उस ग्रेविटी की वजह से वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं डायामीटर जो सन का है ना इट इज़ अबाउट 109 टाइम्स डेट ऑफ द अर्थ इतना बड़ा है सन अर्थ से एंड इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट इन द सोलर सिस्टम एवरेज डिस्टेंस पता है आपको सन का कितना अर्थ से अबाउट फिफ्टीन करोड़ किलोमीटर इतना दूर है सन हमसे स्टिल द सन इज वेरी हॉट द टेम्परेचर एट इट्स सरफेस इज अबाउट सिक्स थाउजेंड सेंटीग्रेट वाइल इट इज अबाउट वन करोड़ फिफ्टी लैख सेंटीग्रेट एट इट्स सेंटर इतना ज़्यादा हीट सन में है एंड द सन लाइट टेक्स हाउ मच मिनट टू रीच द अर्थ सरफेस डेट इज एट मिनट आठ मिनट में सनलाइट जो है अर्थ पे पहुंच जाती है नो वट अबाउट द प्लैनेट्स? हाउ मेनी प्लैनेट्स वी हैव टोल्ड यू डेट आर एट प्लैनेट्स वी आर हैविंग इन आर सोलर सिस्टम एंड द प्लैनेट्स हैव नो लाइट रिमेंबर प्लैनेट्स के पास अपनी लाइट नहीं होती है दे ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन सन की लाइट उन पे पड़ती है ऑल प्लैनेट्स आर स्फेरिकल इन शेप एंड रिवॉल्व अराउंड द सन और कैसे रिवॉल्व करते हैं वेस्ट टू ईस्ट नॉट ईस्ट टू वेस्ट वेस्ट टू ईस्ट एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस दे ऑल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सेस तो इस तरीके से प्लैनेट अर्थ के रिवॉल्व करते रहते हैं नाउ फोर ऑफ दीज प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। आठ प्लैनेट हैं टोटल आठ में से जो चार प्लैनेट हैं ऐसा माना जाता है वो रॉक से बने हुए हैं तो इसलिए हम उन्हें टेरिस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं अब वो चार प्लैनेट कौन से हैं मर्करी वीनस अर्थ एंड मार्स बट वट अबाउट द अदर फोर प्लैनेट्स दो फोर प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ गैसेस and that's why they are known as gas giants and these are jupiter's saturn uranus and neptune now we are going to discuss about our beautiful planet on which we are living that is the earth earth is a unique planet in our solar system why because it is the only celestial body known to have life on it इट इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड फिफ्थ लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम तो अर्थ पे ही लाइफ है बेटा आठ प्लैनेट में से अभी तक तो और ये थर्ड नंबर पे नियरेस्ट प्लैनेट है सन के अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली लाइक अ बॉल अगर आप देखोगे ना तो बॉल की तरह आपको नजर नहीं आएगी रादर इट इज अट पियर शेप्ड आप ऑरेंज को देखते हो या पियर को देखते हो ना थोड़ा सा स्फेरिकल है बल्ज है ये अंदर से ठीक है ऊपर का जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है वो आपका अंदर की तरफ चला जाता है प्योर सर्कल नहीं बनता इस तरीके से ओके ये स्फेरिकल तो है लेकिन थोड़ी सी बल्ज है ओके अंदर की तरफ पियर्ड हो रही है यहाँ पर एंड देन इट बिल्डिंग एट द इक्वेटर एंड फ्लैक्टेंड एट द पोल्स इट्स इक्विटोरियल डायामीटर इज अबाउट 44 फोर किलोमीटर मोर देन दोलर डाया मीटर और मैं आपको एक बात और बताऊं बेटा जो अर्थ है वो स्ट्रेट नहीं है इट इज़ इनक्लाइंट लाइक दिस है ना 66 सिक्स एंड अफ अगर आप देखते हो उसका एंगल ऐसे आता है सो इट टिल्टेड टिल ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री टू द सन सीधे नहीं घूमती है अर्थ टिलटेड है अर्थ Life has become possible on the earth because it receives just right amount of sunlight from the sun, and also it is having the presence of air and water, which makes the life possible on the earth. Like all planets, na, the earth also revolve around the sun and it takes one year in one revolution. Okay, one year pura lag jata hai earth ko sun ko. रिवॉल्व करने में रिवोल्यूशन कम्प्लीट करने में इट रिवॉल्व स्पेंस ऑन इट्स एक्सेस एंड टेक्स अ डे इन ईच रोटेशन तो बेटा आपको रिवोल्यूशन और रोटेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए रिवोल्यूशन व्हेन अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एक कंप्लीट चक्कर सन का लगा दिया एंड रोटेशन वैन अर्थ रोटेट इट्स सेल्फ ओनली ऑन इट्स एर्बिट तो जब अपने ऑर्बिट पे एक बार अपने आप को पूरा रोटेट कर लेती है ना तो उसे हम कहते हैं रोटेशन तो 24 फोर आवर्स में ये कंप्लीट होता है इफ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम द आउटर स्पेस इट अपीयर्स ब्लू बाहर से देखोगे तो ब्लू ब्लू कलर की नजर आएगी दिस इज ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन एट सरफेस आपको पता है थ्री फोर्थ जो है अर्थ सरफेस water bodies se covered because we are having the huge oceans and seas that's why it appears blue therefore it is also known as blue planet or watery planet bhi hum ise kehte hai. and beta the earth is the only planet in solar system which is not named after a mythological deity किसी भी भगवान के नाम पर माइथोलॉजिकल डाइटी के नाम पे इसका नाम नहीं है ऑल अदर planets आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द माइथोलॉजिकल डाइटी नाउ मूविंग टू द सेटेलाइट What आर सेटेलाइट्स सेटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द planet, not द सन Planet सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं लेकिन सेटेलाइट planet के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं अ सेटेलाइट कैन बी नेचुरल एंड इट कैन बी आर्टिफिशियल मैन मेड भी हो सकता है मून को अगर आप देखोगे द मून इज अ नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ एंड द यूरेनस एंड नैपचून हैव 18 नेचुरल सेटेलाइट ईच सोचो उनके पास तो 18 18 सेटेलाइट्स हैं एंड द जुपिटर द लार्जेस्ट प्लानेट ऑफ द सोलर सिस्टम हैज फोर मून्स सिक्सटी फोर मून्स हैं जुपिटर्स पे इमेजिन कितना प्यारा लगता होगा द मैन मेड सेटेलाइट्स आर मेड बाय मैन एंड दे आर आर्टिफिशियल एंड दे आर लॉन्च इन टू द स्पेस सच एज हमारा था चंद्रयान वन जो हमने लॉन्च किया अब आते हैं हम मून पे विच इज़ द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ एंड इट इज लोकेटेड अराउंड थ्री लैख एटी फोर थाउजेंड किलोमीटर फ्रॉम अस बहुत दूर है मून भी हमसे इट हैज नो लाइट ये आपको पता होना चाहिए कि मून के पास अपनी लाइट नहीं है इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन एंड द मून लाइट रीचेज अस इन अबाउट कितना टाइम लेती है मून लाइट अर्थ तक पहुँचने के लिए वन एंड अ क्वार्टर सेकेंड ठीक है जहाँ सनलाइट को आठ मिनट लगता है मूनलाइट को अर्थ पे रीच करने में ओनली वन अंडा क्वार्टर सेकेंड लगता है अब आपने डिफरेंट फेसेस ऑफ मून भी देखे हैं यू कैन सी इन द पिक्चर्स आल्सो द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड रोटेट ऑन इट्स एक्सिस इन एग्जैक्टली द सेम टाइम ऑलमोस्ट सेम टाइम होता है दैट इज ट्वेंटी सेवन पॉइंट थ्री डेज सो so, भाई इतने ही टाइम पे वो अर्थ को भी रोटेट कर लेता है और अपने आप को भी घुमा लेता है सो वी कैन ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून इसलिए हमें सेम साइड ही दिखती है उसका दूसरा फेस नहीं दिखता वी कैन सी ओनली डैट पार्ट ऑफ द मून विच इज इन द सन लाइट क्योंकि उसके पास तो अपनी लाइट है नहीं अब क्या होता है ड्यू टू दिस इट अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप डेली तो डेली हमें उसकी शेप जो है ना वो चेंजेस नजर आती है वेन इट्स शेप अपीयर्स टू इंक्रीज जैसे जैसे मून बढ़ता जाता है ना बढ़ रहा है उसकी शेप बढ़ रही है तो हम उसे कहते हैं न्यू मून शेप ठीक है और जैसे जैसे न्यू मून शेप आपको पता है जब बढ़ रहा होता है वो धीरे धीरे आगे जा रहा है और जब वो पूरा मून हमें नजर आता है कंप्लीट तो हम उसे कहते हैं पूर्णिमा फुल मून और वंस अगेन जब वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है तो उसे हम कहते हैं फुल मून इस तरीके से यू कैन सी द ऑल फेसेस ऑफ मून एंड इट इज सेट टू वेन आल्सो तो दीज आर द डिफरेंट फेसेस ऑफ मून और हमें क्यों दिखता है मून का एक साइड क्योंकि वो अर्थ के चारों ओर जो चक्कर लगाता है और जो अपने ऑर्बिट पे चक्कर लगाता है वो सेम टाइमिंग होता है ट्वेंटी सेवन पॉइंट थ्री डेज अब नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट आता है दैट इज एस्टराइड वट आर एस्टराइड दे आर द स्मॉल बॉडीज विच लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ये एस्टराइड भी बेटा सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं एंड चीफली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द जुपिटर एंड मार्स आप सोलर सिस्टम देखते हो तो जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट के बीच में जो जगह है ना ये पूरी बेल्ट बनी हुई है एस्ट्रॉयड्स की ये वहाँ से चक्कर लगाते हैं सूरज के चारों ओर एंड दे आर बिलीव टू बी द पीसेज ऑफ सम प्लानिट विच एक्सप्लोडेड सून आफ्टर द बर्थ ऐसा माना जाता है एस्ट्रॉड कोई प्लेनेट रहे होंगे जो जैसे ही एग्जिस्ट हुए वैसे ही ब्लास्ट हो गया उनमें और उनके टुकड़े जो हैं जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट के बीच में आके अटक गए और क्योंकि सन में ग्रेविटेशनल फोर्स है इस वजह से वो चक्कर लगा रहे हैं सन के चारों ओर द लार्जेस्ट एस्टराइड इज द दीरियस एस्ट्राइड ये आपको वन मार्कर क्वेश्चन आ सकता है सो प्लीज़ इसे याद करिए नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मीटियर्स एंड मीटर राइड्स वट इज मीटियर्स मीटियर्स आर स्मॉल पीसेज ऑफ सॉलिड मास विच रिवॉल्व अराउंड द सन ठीक है कोई भी सॉलिड मास होगा छोटे छोटे पीसेज होते हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं समटाइम दे एंटर इन टू द अर्थ एटमोसफेयर एंड ड्यू टू देअर फ्रिक्शन विद द एटमोसफेयर दे स्टार्ट टू बर्नअप ठीक है बर्न अप होने शुरू कर देते हैं एंड ऑल ऑफ सदन दे disappear एज द डस्ट एंड गैस आपने हिंदी में कई बार दादी नानी को सुना होगा कि टूटता हुआ तारा जा रहा है, है ना इस तरीके से आपने वर्ड सुने होंगे तो जब ऐसा आप देखो दैट इज द शूटिंग स्टार्स उसे हम शूटिंग स्टार्स कहते हैं एंड समे नॉट कंप्लीटली बर्न और कई बार पूरा बर्न नहीं कर पाते डस्ट और गैस में कन्वर्ट नहीं हो पाते तो क्या होता है क्रिएटर तो बहुत बड़ा गड्ढा क्रिएट कर सकते हैं और जब ये अर्थ में आ जाते हैं अर्थ पे गिरते हैं बिना जले पूरा क्योंकि पूरा नहीं जल पा रहे पूरा जल गए तो फिर तो वो डस्ट और गैस बन गए पूरा नहीं जल रहे अर्थ सर्फेस पे आके गिर गए तो क्या करते हैं बहुत बड़ा गड्ढा फॉर्म कर देते हैं उस क्रेटर को हम कहते हैं फिर बाद में मिट्योराइट्स के मीटियर की वजह से ये हैपन हुआ है सो दैट इज मिट्योराइट्स नाउ मूविंग टू द कॉमेट्स कॉमेट टू रिवॉल्व अराउंड द सन जैसे एस्ट्रॉइड मीटियर्स रिवॉल्व करते हैं प्लानट रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन वैसे ही कॉमेट भी दे ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन In a very elongated orbit. उनकी भी अपनी एक रास्ता होता rocky डस्ट गर्म नहीं स्नो का लम्प होता है ये पूरा का पूरा और रॉकी डस्ट छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों का डस्ट बना होता है इसमें वेन इट रीचेज नियर द सन ना इट स्टार्ट टू ग्लो एंड डेवलप अ लॉन्ग शाइनिंग टेल्स आप देख रहे हो ना पिक्चर में जैसे जैसे सूरज के पास आते हैं ये शाइन करने लग जाते हैं एक लॉन्ग टेल की तरह एंड द मोस्ट वेल नोन कॉमेट इज हैलीस कॉमेट विच अपीयर्स आफ्टर एवरी सेवेंटी सिक्स ईयर ऑन द अर्थ हम हमेशा छहत्तर साल के बाद ना इस हैली कॉमेट को देख सकते हैं so in this way we have learned the different celestial body in this chapter let's do the quick revision number one what we have learned the universe is a very big big bang theory ki se bani hai, and it comprises of different celestial bodies such as stars planets satellite asteroid meteors etc फिर हमने ये डिस्कस किया था कि डिस्टेंस जो है स्पेस में वो किलोमीटर में नहीं लाइट ईयर से मेजर किया जाता है क्योंकि वास डिस्टेंस होता है देन थर्ड वी हैव डिस्कस मिल्की वे मिल्की वे जो है आपकी हमारी पेरेंट गैलेक्सी है इन विच आर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड देन वी हैव डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिलेशन विच इज़ द ग्रुप ऑफ स्टार इन अ पर्टिकुलर शेप लाइक सप्तऋषि जिसे हमने बताया था देन सोलर सिस्टम हमने डिस्कस किया जिसमें सन जो है एक स्टार है मेजर सोर्स ऑफ हीट है एंड देन सन जो है उसकी हीट और लाइट अर्थ तक एट मिनट में पहुंचती है देन आर अर्थ रिसीव द राइट अमाउंट ऑफ हीट वाटर एंड एयर डैट्स वाई इट्स अ यूनिक प्लानट वाटरी प्लानट्स और फुल ऑफ लाइफ प्लानट सेटेलाइट हमने डिस्कस किए दो टाइप के होते हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल और मैन मेड भी कह सकते हैं हम इसे एंड देन वी हैव डिस्कस द अदर सेलेस्टियल बॉडीज दैट इज एस्ट्राइड मीटियर्स मीटराइट्स एंड कॉमेट्स, सो इट्स द एंड ऑफ द चैप्टर आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट नाउ इट्स योर टाइम डू द रिविजन एंड एक्सरसाइज योर सेल्फ